नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इस वीडियो के माध्यम से इनकम टैक्स के टैक्स लायबिलिटी और रेजिडेंस से रिलेटेड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है, अपने लिए एक नोट्स बना लेनी है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। आपके पेपर में एक दो क्वेश्चन यहां से जरूर पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। रेजिडेंट का मतलब होता है निवास स्थान, टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है जो टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपको समझना है सबसे पहले रेजिडेंस का मतलब क्या होता है। रेजिडेंस का मतलब होता है हिंदी में निवास स्थान। रेजिडेंस का मतलब होता है हिंदी में निवास स्थान। रेजिडेंस का मतलब होता है निवासी। आपको समझना है सीधा सीधा, आपके सामने इंग्लिश में दिख रहा है, मैं इसे पढ़ करके हिंदी में आपको समझा देता हूं। आप इसे इंग्लिश में अपनी कॉपी में जरूर लिख लेंगे। आपके पेपर में एक बार फिर से बताना चाहते हैं, यहां से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, दो क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो समझना है, अ पर्सन कैन बी रिसीव इनकम इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। कोई भी पर्सन हो सकता है, इनकम को वह रिसीव करता है इंडिया में, इंडिया में कमाता है, इंडिया में रिसीव करता है। जैसे मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में कमा रहा हूँ तो इंडिया में रिसीव कर रहा हूँ। और भी कुछ पर्सन होते हैं जो इंडिया के बाहर कमाते हैं, उनका पैसा इंडिया में रिसीव होता है या इंडिया के बाहर ही रिसीव होता है। समझिए फिर से एक बार, कहता है अ पर्सन कैन रिसीव इनकम इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, चाहे मैं हूँ, मैं राजकुमार मौर्या, इंडिया में कमाता हूँ, इंडिया में रिसीव करता हूँ, इंडिया में कमाऊँ और बाहर भी रिसीव कर सकता हूँ। समझिए, और कोई इंडिया से बाहर गया हुआ है कमाने के लिए या बाहर से इंडिया आया हुआ है कमाने के लिए, वह अमाउंट इंडिया में भी रिसीव कर सकता है और इंडिया के बाहर भी रिसीव कर सकता है, चाहे जहाँ चाहे वहाँ रिसीव कर सकता है। उसके बाद कह रहे हैं टू डिटरमाइन एज टू विच ऑफ इनकम इज टैक्सेबल विच नॉट। मतलब कि कहाँ रिसीव करे, कहाँ ना रिसीव करे, इंडिया में रिसीव करे कि इंडिया के बाहर रिसीव करे, तो उस पर टैक्स कहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद कहता है इट इज इसेंटियल टू नो अबाउट रेजिडेंट स्टेटस। मतलब कि एक बार फिर समझिए, कोई भी पर्सन हो, इंडिया में अमाउंट रिसीव कर सकता है, इंडिया में अमाउंट नहीं रिसीव कर सकता, इंडिया के बाहर रिसीव कर सकता है, इंडिया के बाहर नहीं रिसीव करके इंडिया में ही रिसीव कर सकता है। जैसे मैं कमा रहा हूँ, मैं कोई अमाउंट इंडिया में रिसीव कर सकता हूँ और इंडिया के बाहर भी रिसीव कर सकता हूँ। तो हमारी इस इनकम पर इंडिया में टैक्स कहाँ लगेगा, वह हमारी रेजिडेंटल स्टेटस पर निर्भर करता है। समझिए, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम राजकुमार मौर्य है। समझिए आप, राजकुमार मौर्य है। मैं जो इनकम कमाऊँ, अगर इंडिया में कमाऊँ तो हो सकता है इंडिया में रिसीव कर लूँ, हो सकता है आउटसाइड इंडिया में रिसीव कर लूँ। अगर मैं विदेश में कमाऊँ, फॉरेन में कमाऊँ, आउटसाइड इंडिया में कमाऊँ, विदेश का मतलब अमेरिका में, जापान में, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, चाहे जहाँ कर सकते हैं, आउटसाइड इंडिया में कमाऊँ, और इस जो आउटसाइड इंडिया में कमाऊँगा वह आउटसाइड इंडिया में रिसीव कर सकता हूँ। पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान में, अमेरिका में रहता हूँ तो अमेरिका में, नेपाल, भूटान, चाइना, जहाँ रहता हूँ वहाँ रिसीव कर सकता हूँ। बट हो सकता है वहाँ भी रिसीव कर लूँ, हो सकता है इंडिया में रिसीव कर लूँ। कहने का मतलब यहाँ वहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये अलग बात है। ये जो इनकम होगी कहाँ पर टैक्सेबल होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, यह कैसे पता लगेगा। इसके लिए आपके रेजिडेंटल
स्टेटस पर निर्भर करेगा, रेजिडेंटल स्टेटस। ऐसा जरूरी नहीं है, एक बार समझ लीजिए, अगर मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ तो इंडिया का रेजिडेंस हूँ, इनकम टैक्स की आंखों से देखते समय। अगर हमारे सामने इंडिया का सिटीजनशिप कार्ड है, मतलब कि नागरिकता है, और मैं इंडिया के बाहर रहता हूँ, तो ये नहीं कहा जाएगा इनकम टैक्स में कि मैं यहाँ का रेजिडेंस हूँ। मतलब कि रेजिडेंस और सिटीजनशिप में यहाँ पर अंतर है दोनों में। रेजिडेंस के लिए कुछ रूल है इनकम टैक्स के आंखों से देखने पर, उस रूल्स को फॉलो करेंगे आप तो रेजिडेंस हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंस हो सकते हैं, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस हो सकते हैं। एक बार अपने दिमाग को घुमाइए थोड़ी देर के लिए। मैंने क्या बताया, अ पर्सन, कोई भी पर्सन इंडिया में अमाउंट कमाए, इंडिया के बाहर कमाए ना, तो उसकी इनकम पर टैक्स कब लगेगा, कहाँ लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, ये कहाँ से पता लगेगा, इसको पता लगाने के लिए आपको रेजिडेंटल स्टेटस मालूम करना पड़ेगा। तो आपके सामने जो दिख रहा है इसमें हम आगे बढ़ते हैं। वेदर द इनकम ऑफ अ पर्सन टैक्सेबल और नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब कि बिना रेजिडेंटल स्टेटस से के यह नहीं पता लगाया जा सकता कि आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं टैक्सेबल होगी। इसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, रेजिडेंटल स्टेटस करना बताएंगे आगे, ठीक है। उसके बाद कहता है दस टैक्स इंसिडेंस ऑन एन असेसी डिपेंड ऑन हिज रेजिडेंटल स्टेटस, मतलब कि टैक्स कोई भी असेसी कहाँ देगा यह किस पर निर्भर करेगा, रेजिडेंटल स्टेटस पर। दो बार मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कहता है टैक्स इंसिडेंस ऑन एन असेसी रेजिडेंटल स्टेटस, तो इतना ही आपको समझना है, आगे देखना है। द रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ द डिफरेंट टैक्सेबल एंटिटी, अलग अलग रेजिडेंटल स्टेटस वालों के लिए अलग अलग लाइबिलिटी वालों, अलग अलग टैक्स लाइबिलिटी निर्धारित की गई है। एक बार फिर से पढ़ के समझाते हैं। देखो, एक बार मैंने बता दिया, कोई भी व्यक्ति, शॉर्ट फॉर्म में आप समझें, कोई भी पर्सन इंडिया में अमाउंट कमाए या इंडिया के बाहर कमाए ना, उसका अमाउंट इंडिया में रिसीव हो या इंडिया के बाहर रिसीव हो, ठीक है, तो कैसे हमें पता लगेगा, हमें कैसे पता लगाना पड़ेगा कि उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रेजिडेंटल स्टेटस। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पैदा हुआ इंडिया के बाहर कमा रहा है, इंडिया में रहता है इंडिया के बाहर कमा रहा है पैसा, इंडिया में है पर्सन उसका बिजनेस इंडिया के बाहर है, तो कहाँ पर टैक्सेबल होगी कहाँ पर नहीं टैक्सेबल होगी, यही इसको कैसे पता लगाना पड़ेगा, रेजिडेंटल स्टेटस से आपको हमको पता लगाना पड़ेगा। आगे देखिए क्या क्या कहता है। द रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ द डिफरेंट टैक्सेबल एंटिटीज, इंडिविजुअल के लिए अलग रूल होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अलग रूल होगा, इंडिविजुअल का मतलब राम श्याम मोहन सीता गीता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब मुसलमान से नहीं है, सिख ईसाई पारसी किसी से नहीं है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है जब एक ही परिवार में कई लोग एक ही काम करते हों उसकी इनकम। उसके बाद कहता है किसी फर्म के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए। उसके बाद कहता है इट डिटरमाइन बेस प्रीवियस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर दस टैक्स लाइबिलिटी असेसी इज बेस्ड रेजिडेंटल स्टेटस, मतलब कि कोई भी कंपनी होगी, कोई भी फर्म होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा, एसोसिएशन होगा, ये सब चीज़ क्या होगी, अलग अलग इसके लिए रूल्स हैं, कौन सा रूल्स कैसा है इसको मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आपको जितना मैं बताऊं उतना आप अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे तो आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।
एक एक क्वेश्चन की गारंटी है आप सॉल्व कर लेंगे। कितने भी कमज़ोर स्टूडेंट होगा, कोई भी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट कहते हैं मुझे कम समझ में आता है, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। आपको अपनी कॉपी में लिखना है टाइप्स ऑफ रेजिडेंस, टाइप्स ऑफ रेजिडेंस। टाइप्स ऑफ रेजिडेंट में आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। लिखेंगे रेजिडेंस, रेजिडेंस को हिंदी में कहते हैं निवासी, ठीक है। अगला है नॉन रेजिडेंस, उसके बाद रेजिडेंस के टू टॉपिक हैं, इसके टू पार्ट हैं। एक पार्ट है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में भी लिख देता हूँ तो कुछ स्टूडेंट मान लीजिए समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे। रेजिडेंस को कहते हैं निवासी, नॉन रेजिडेंस को कहते हैं अनिवासी, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनरी को कहते हैं साधारण निवासी, नॉन ऑर्डिनरी को कहते हैं असाधारण निवासी। ये आपका टॉपिक है। एक बार फिर से समझिएगा, कोई भी पर्सन इंडिया में पैसा कमाए, इंडिया के बाहर पैसा कमाए, वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा, किस बेस पर टैक्सेबल होगा, कैसे मालूम चलेगा हमें? उसके रेजिडेंटल स्टेटस पर मालूम चलेगा, उसका रेजिडेंटल स्टेटस क्या है। समझ में आया? तो रेजिडेंस टाइप्स ऑफ टू, देखो रेजिडेंस होते हैं, नॉन रेजिडेंट होते हैं। रेजिडेंट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स होते हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस होते हैं। एक एक का रूल है अलग अलग, पर्सन के लिए अलग है, हिंदू अनडिवाइडेड के लिए अलग है, फर्म के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए अलग है, ठीक है, सब के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं आगे, इसे आप वीडियो को रोक करके कहीं पर भी वीडियो को रोकिए और अपनी कॉपी में इसे लिखना ना भूलिए। याद रखना, एक एक टॉपिक की कसम है, आपको ना आने लगे तो आपको हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, हटा देते हैं इसको, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, पर्सन के लिए अलग है, तो आपको सबसे पहले लिखना है पहला टॉपिक पर्सन। पर्सन को हिंदी में भी लिख देते हैं व्यक्ति, पर्सन को लिख देते हैं व्यक्ति। व्यक्ति में कौन कौन आता है, पर्सन में कौन कौन आता है? पर्सन में आपको लिखना है सबसे पहला इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जैसे राम, श्याम, सीता, आर के मौर्य, आपका नाम, आपके पड़ोसी का नाम, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है दूसरा, दूसरे में आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू मुसलमान से नहीं मतलब है, हिंदू मुसलमान से नहीं मतलब, जैसे एक ही कोई परिवार होता है, उस परिवार में एक सदस्य मिल करके काम करते हैं और उनकी मिल करके कमाई होती है, बाद में शेयर बांट लेते हैं, तो उसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा नंबर होता है फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है, जैसे पार्टनरशिप होती है, जैसे पार्टनरशिप होती है उसे कहते हैं फर्म। उसके बाद चौथा नंबर क्या होता है,
कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी कंपनी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें रूल्स हैं सबके लिए। उसके बाद कंपनी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसमें जो जो दिया गया है उसको देख करके बताना पड़ता है हमको, ताकि समय समय पर इनकम टैक्स बदलता रहता है, इसलिए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मेन मेन चीज़ तो मैंने लिखवा ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब उसके बाद कंपनी, कंपनी के बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पचे में आ गया। छठे में क्या होगा देख लेते हैं, सिक्स नंबर में अदर पर्सन, मतलब कि अदर कोई पर्सन है, अदर पर्सन। देखो पर्सन का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति में इंडिविजुअल, हम और आप हैं तो इंडिविजुअल में आएंगे, ये में कई लोग होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म में भी कई लोग होते हैं, कंपनी में भी कई लोग होते हैं, एसोसिएशन संघ जो बने होते हैं, वो अदर कोई पर्सन होता है, तो वहाँ सबका अलग अलग है। तो इसे आप अपनी कॉपी में पर्सन में लिखना पड़ेगा, आपको पर्सन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो लंबा ना बने इसी को ध्यान में रखते हुए इसको मैं समाप्त करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पर, ताकि आपको आने वाली जो इसके बाद की वीडियो है उसमें सबका रूल बता रहे हैं। लंबा वीडियो बनेगा तो हमको भी परेशानी, आपको भी परेशानी।